Action! जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। और काफ़ी टाइम पहले इन्होंने एक घर पे आके बहुत बेहतरीन इंटरव्यू लिया था, वो काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद किया, तब जाके हमने इनको दोबारा मौका दिया कि इंटरव्यू ले लो। अच्छा, पहले तो बधाई हो। हाँ, उल्टन पुल्टन को एक साल हो। हाँ, आज 4 मार्च को हमारा फर्स्ट एपिसोड आया था, तो आज पूरा 1 साल हो गया। और 1 साल में जितना ये जोर पकड़ा है, इतना उम्मीद नहीं थी कि लोग बनेगा, इतनी उम्मीद नहीं थी। पहले सबसे पहले तो बधाई हो, हप्पू की उल्टन पुल्टन को 1 साल हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि जब ये शो आया था तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 साल में ही लोग इतना ज़्यादा इस शो को पसंद करेंगे, और एक तरह से लगभग भाभी जी के लेवल पे लोग पसंद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाभी जी अपने आप में एक बहुत कमाल का शो है, तो उसके आसपास भी हम रहते तो भी बहुत खुशी होती। बट लोगों ने जब ये बोला कि नहीं, हमें बिल्कुल वैसे ही मज़ा आ रहा है जैसे हम भाभी जी देख के एंजॉय करते थे, तो इसकी भी कास्टिंग बड़ी प्यारी हुई है, तो कास्टिंग की वजह से ये शो भी 1 साल के अंदर ही काफ़ी हाईलाइट हुआ। I still remember, बहुत अच्छा। दिल्ली में थे जब ये आपका शो। हाँ, प्रमोशन में भी आए थे दिल्ली, होर्डिंग्स वगैरह। क्योंकि मेरे घर में भाभी जी घर पर है, लोग सभी देखते हैं। हाँ, और वो भाभी जी घर पर से ज्यादा उस टाइम पे एक्साइटेड थे कि अच्छा दरोगा आपू। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे फोन करके बताया कि दरोगा आपू जी का शो आ रहा है, इतने बजे आ रहा, देख ला। तो इतने एक्साइटेड थे लोग, और अभी भी दरोगा आपू को इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है ना। तो अब भाभी जी को भी 5 साल हो गए। हाँ, कल 2 मार्च को उनको पूरे 5 साल हो गए, और 4 को पूरा हमें 1 साल। मेरी ये देखिए खुशकिस्मती देखिए कि जब अभी उनको 5 साल हुए तो मैं आसिफ जी के साथ ही उस दिन, और जब आप इस शो को 1 साल हुए तो आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए सवाल जवाब वाला चलिए शुरू करते हैं। करते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि शो में कोई छोटा सा किरदार हो, वो इतना फेमस हो जाए कि उसी पर एक स्पिन ऑफ शो अलग से शुरू हो जाए। ये पहली बार ऐसा। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है, और हैरानी की बात ये है कि वो बहुत अच्छा भी जा रहा है। हाँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, टीआरपी अच्छी जा रही है, तो प्राउड तो फील होता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपना शो किया तो सुपर हिट हो। हाँ, इसमें भी बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आया, और लोगों को प्रोमो ही एक ऐसा बना था कि लोगों के ये आए हैं कि यार ये शो कब आ रहा है, तो प्रोमो उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रॉपर बनाया कि दरोगा के बच्चे कैसे और बीवी और पूरा जो लोगों को इंतज़ार था। जहाँ पे भी मैं इवेंट में जाता था, लोग पूछते थे यार दरोगा की बीवी बच्चे कब दिखेंगे, तो मैं हमेशा बोलता था कि कोई स्टोरी आएगी। ये कभी नहीं सोचा था कि एक शो अलग से बन जाएगा, ये दिमाग में नहीं था। ये था कि भाभी जी में हिट है तो जैसे सबकी स्टोरी आती है, कभी मेरे ऊपर भी आ जाएगी, उसमें मेरी फैमिली दिखा देंगे एक स्टोरी में, ये तो पूरा शो ही बन गया, तो ये तो बहुत ही कमाल का है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि पहले लोग इंतजार कर रहे थे कि यार जो आप नौटंकिया बच्चे बोलते रहते हो वो कब हमें देखने को मिलेंगे, आपकी प्रेग्नेंट बीवी कब देखने को मिलेगी, और हमें प्रेग्नेंट बीवी भी देखने को मिल रही है, इनके बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। और नहीं, 6 बच्चों की तो कास्टिंग हुई ही है जो आपको दिखते हैं, लेकिन जो 3 डमी पलने में लेटे रहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइप का लोग शो पसंद कर रहे हैं, इनको आगे चल के उन 3 बच्चों की भी कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब लंबा अगर चलेगा तो बच्चे बड़े तो दिखाने पड़ेंगे ना, कब तक वो पलने पे ही लेटे हैं वो अभी। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा लोग पसंद करते रहे तो आगे इनको 3 बच्चों की और कास्टिंग होनी चाहिए। और बिमलेश का एक कैरेक्टर जो मेरी साली का है, वो दिखता नहीं है लोगों के जहन में, तो वो भी एक कास्ट होगा और आगे चल के काफी चिरांद फैलने वाली है। तो हाँ, क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पता चला कि आप साइड की जगह फ्रंट सीट पर ड्राइव करेंगे, यानी कि साइड रोल की जगह अब आप लीड रोल में? तो जो इसके शो के डायरेक्टर हैं शशांक जी, उस टाइम पे मैं जीजा जी छत पे कर रहा था, इन्हीं का दूसरा शो, तो उन्होंने मजाक में बोला कि अरे यार ये तो तुमको लेके अभी तीसरा शो सोच रहे हैं। तो पहले तो मुझे मस्ती, क्योंकि मेरे 3 एक दिन में 3 कहाँ पॉसिबल हैं, आज एक ही शो कर ले आदमी 12 घंटे, तो मैं भाग भाग के जीजा जी करता था, तो 1 साल उसको हुआ, बहुत अच्छा रहा वो भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तीसरा शो ऐसा है कि यही कैरेक्टर आएगा। अच्छा, तो मुझे लगा कि एक कोई नया शो होगा जिसमें कभी अगर पुलिस वाला आया तो दरोगा ही आ जाएगा ये, तो मैंने कहा हाँ ठीक है कभी। फिर वो बाद में पता चला कि नहीं, वो इसी कैरेक्टर पे ही एक नया शो बन रहा है, तो उसमें तो पूरा मेरा ही रहेगा। हाँ, तो मैंने कहा कर कैसे पाएंगे 3 शो, तो चैनल को भी थोड़ा था कि हमारा एक्टर है तो सब टीवी नहीं करे या जो भी है,
तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं था एक साथ तीन शो, तो फिर जीजा जी बंद करना पड़ा मुझे। ओके, तो फिर ये शुरू हुआ। तो खुशी तो बहुत हुई होगी ना। हाँ, बहुत अच्छी डेट में भी हुआ है। देखो उस दिन 4 मार्च को, ठीक एक साल पहले शिवरात्रि भी थी, मेरा बर्थडे 13 को आता है, तो मैं अंक में काफ़ी बिलीव करता हूँ, 3 और 1 4, तो ये 4 तारीख को ही शुरू हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा था कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा ही आए, तो बहुत अच्छा है। तो जब मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि जब आप ही भाभी जी घर पर है कि इसके लिए सेट पर आए थे, तो पहले आपने सक्सेना के रोल ऑडिशन, हाँ ऑडिशन मेरा सक्सेना के लिए हुआ था और वो उनको पसंद भी आया था, लेकिन उस टाइम मैं सब टीवी का एक शो कर रहा था पीटरसन हिल, तो उसकी मुझे डेट भी नहीं मिली, उन्होंने 30 दिन बुक कर रखे थे, तो वो शो भाभी जी उस टाइम नहीं कर पाया मैं। फिर मुझे तिवारी जी ने बताया कि एक कैरेक्टर आ रहा है और तुम्हारा पीटरसन शायद 2-3 महीने में अगर बंद होने वाला है, तो तुम एक बार आके मिल लो, तो मैं ऐसे ही मिला, तो बोले कि एक पुलिस वाला आना, तब ये डिसाइड नहीं था कि नाम क्या होगा, उसका बैकग्राउंड इसलिए भी नहीं सोचा था क्योंकि वो लंबा कैरेक्टर ही नहीं था, सिर्फ एक स्टोरी में था 2-3 सीन, तो एक ही एपिसोड में आना था कि वो पुलिस वाला आएगा, तब ना दरोगा आपू सिंह थे, ना उसके 9 बच्चे थे, ना बीवी थी, बस एक आम आदमी की तरह आना है और चला जाना है पुलिस वाले की तरह, जैसे हाँ पसंद किया, पसंद किया, तो फिर उसके एलिमेंट डाले गए कि यार निछावर लेगा, बॉडी लैंग्वेज डाली गई, आलसीपन, पहला सीन मैं बड़ा फास्ट कर रहा था, तो सर ने समझाया कि उसको कोई नहीं पड़ी है, वो तो अपना मोबाइल ही देख रहा है, जैसे सामने लाशी क्यों ना पड़ी, वो तो आराम से करता है, वो उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आराम से देखो, आराम से सॉल्व करो, हुई तो ठीक है, नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको पड़ी नहीं है, तो वो चलना उठना बैठना, फिर मैंने साइटिका का वो पेन और अपना वो सब धीरे धीरे कि यार उठना बैठने में कराना, इतना बड़ा पेट है तो कैसे चलेगा, तो वो 2-3 महीने में फिर उसकी आदत हो गई। ओके, तो अभी दरोगा आप इनको हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, तो कभी इनका प्रमोशन भी होगा या दरोगा ही रहेंगे? नहीं, स्टोरी में तो कई बार प्रमोशन हुआ, हर स्टोरी ऐसी आती है, कभी कभी वो कमिश्नर बन जाता है और थोड़ी देर बाद सस्पेंड, तो ये तो चलते ही रहता है, लेकिन लोग दरोगा में ज्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कमिश्नर से ज्यादा तुम दरोगा में अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, ये लीड रोल में होना साइड रोल में होने से कितना अलग है, मतलब गाड़ी का साइज भी बड़ा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आप कैरेक्टर में आते हो तो जिम्मेदारी उतनी नहीं रहती, स्टोरी बहुत अच्छी नहीं भी हुई तो पूरा आपके कंधों पे नहीं है चीज़, लेकिन जब आप मेन में आ जाते हो तो क्या जिम्मेदारी को ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रेशर भी बढ़ जाता है कि अभी लोगों को क्या पसंद आएगा, क्या चीज़ है उनको और अच्छी लग रही तो उसको बढ़ाना, क्या चीज़ नहीं लग रही तो उसको घटाना, पूरी टीम को लेके चलना, पहले क्या होता था अपना सीन किया और पैकअप, अब तो 9 से 9 मतलब 6 सीन पूरे दिन में, ज़्यादातर कभी ऐसा होता है कि एक आध सीन का गैप मिल गया, वरना सारे सीन में हम हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ गई, लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बट खेलने का भी मौका मिलता है, लोगों ने जितना देखा है अभी तक तिवारी जी की गलियों में भाभी जी के साथ सीन, या फिर वो टीका मलखान टिल्लू की चाय की टपरी पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी इसका माँ के साथ कैसा रिश्ता होगा, बीवी के साथ कैसा होगा, दरोगा घर में कैसा होगा और 9 बच्चों के साथ कैसा होगा, तो एक अलग रूप देखने को मिला लोगों को हप्पू की उल्टन पलटन, और देखकर बहुत मजा आता है, मजा आया उनको, मतलब ये तो अलग तरीके का, जो टेंशन होते ना शो देखकर आराम से बंदा हंसी खुशी वो टेंशन हाँ के लिए भूल जाता है, लोगों के मैसेज भी बहुत आते हैं कि बहुत माइंड ना फ्रेश हो जाता है, आपका शो देख लेते हैं तो थक के आते हैं, क्योंकि हर आदमी अपना काम धंधे से लौट रहा होता है 7-8 बजे 9 बजे, तो वो ये कहने लगे कि खाने की टेबल पे अच्छा सीरियल देखने का एक 10 बजे का अच्छा वो मिल गया है अभी लोगों को। ओके, तो जो ये जो आपने जो एक कर रहे हैं, तो टीम यहाँ पर जैसे हम तो आपको देखते रहते हैं, खूब मस्ती करते रहते हैं आप, तो यहाँ पर सेट पर किस तरह का माहौल रहता है? सेट पर बहुत बढ़िया है, हिमानी जी सबसे सीनियर है, उनके साथ मैंने जब भाभी जी भी नहीं करता था FIR के टाइम पे उनके साथ मैं थिएटर के प्लेस करता था, हमारा एक प्ले था वो बैंड बच गया, उसके हमने इंडिया में काफ़ी शोज किए हैं, दुबई में भी जाके किए, तो उनके साथ मेरी पहले से ट्यूनिंग थी, उन्हीं के साथ प्ले किए हैं, और जब ये शो में पता चला मुझे कि माँ का कैरेक्टर वो कर रही हैं तो बहुत अच्छा लगा, और वो कमाल का कर रही हैं, तो टीम यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है, भाभी जी में भी बहुत बढ़िया है, वहाँ थोड़ा लौंडे लपाड़ी हमारे कहने को ज़्यादा है, हम एज यहाँ बच्चे हैं तो वहाँ ज़्यादा मस्ती होती है, यहाँ उतनी नहीं कर पाता हूँ, यहाँ मुझे संभालना पड़ता है। जब भाभी जी घर पर है पर हम आपको देखते हैं तो भाभियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं, खूब मस्त गोरी मैम हो चाहे कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल, चाय पिला दो, है ना, या फिर मुझको ये दे दो, आराम से मुझसे अच्छे से बात कर लो, है ना, पर जब यहाँ पर हम देखते हैं आपको हप्पू की उल्टन पुल्टन में, घर की समस्याओं से पिसा हुआ कैरेक्टर, अम्मा और बीवी के बीच में पिसा हुआ कैरेक्टर है, हर बार उसकी बैंड बजती है, तो कहीं ना कहीं ना ऐसे लगता है जैसे घर में भी यही होता है ना, बिल्कुल हर घर की कहानी यही है, माँ की सुने के बीवी की सुने, दोनों के बीच में फर्क
है ये स्टोरी लाइन, मतलब कितना टाइम पहले पता चलता है कि आज ये, मतलब जो भी स्टोरीज हम देखते हैं ऐसी स्टोरीज होती है जिससे आम आदमी आराम से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोजाना घर की कहानी, हाँ, रोजमर्रा के किस्से हैं, आम मुद्दे हैं। हमें रात में स्टोरी पता चलती है कि अगली स्टोरी ये कर रहे हैं। जैसे एक स्टोरी आई थी जिसमें मेरी याददाश्त का नाटक करता है और वो एकदम से मिच्छू फूफा बन जाता है, तो उस पर बात चली कि अब इसको कैसे करना है। अच्छा। तो मैंने एक कैरेक्टर देखा हुआ था छोटे से कस्बे में 12-13 साल पहले, कि उनको पेट में कुछ अल्सर या कुछ जलन की प्रॉब्लम थी, तो वो चलते फिरते अपना ना उनको जलन का जो फील होता था तो उसमें भी वो कुछ ऐसा करते रहते थे। अब बातचीत उनसे करो तो वो आपके जवाब में भी हूँ। अच्छा। तो जब उनसे बात करते थे तो एक फनी चीज़ आई कि अब जजमेंट ये नहीं आती थी कि कौन सी इनकी पर्सनल हूँ है और कौन सी का इन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, कि जब आप बात कर रहे हो तो वो तो ये कंटिन्यू चलता था। तो वो मिच्चू फूफा में मैंने डाला, वो बहुत हिट हुआ, वो आँखें भी ऐसी कर लेता था मैं, तो वो मिच्चू फूफा बन जाता है, यहाँ पर याददाश्त चली जाती है, नाटक करता है वो। तो ऐसे कैरेक्टर फिर डेवलप करते हैं हम लोग, कि अगर बदला हुआ है, जैसे वाइफ का एक आया था कि उस पर दादी आ जाती है, तो एक आँख उसकी बंद रहती है, पान खाती है, वो अवधि बोलती है कटोरी, वो बड़ा हिट हुआ। तो ऐसे चीज़ें फिर बनाते हैं जिससे लोग बोर ना हों, कुछ तो नया दें। 50-60 एपिसोड के बाद थोड़ा सा कुछ नयापन तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप ये करते हैं, मैंने एक आपका शो, एक एपिसोड मैंने देखा था जो मुझको बहुत अच्छे से याद है, भाभी जी में या इसमें, हाँ, उल्टन पल्टन, कौन सा, जिसमें आपको आपका वो रिपोर्ट कार्ड आता है। अरे वो तो बहुत कमाल की स्टोरी थी, हाँ, दरोगा एग्जाम, वो तो बहुत प्यारी थी। फिर आपको एग्जाम देने के लिए ऐसी स्टोरी बहुत बार की है जिसमें बच्चों को, जबरदस्त एपिसोड था यार वो, बहुत अच्छा था ना, मतलब ऐसे देखने से लग ही रहा था कि अच्छा दरोगा फंस गया यहाँ पर। नहीं, दरोगा होके वो थाने में भी पढ़ाई कर रहा है, 6th और 7th क्लास की बुक्स पढ़ रहा है, वो बहुत बढ़िया। बोले कि अच्छा इसको भेज दो चापलूस को, वही चीटिंग करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो मतलब मजा, वो बहुत अच्छा था। और कमाल का क्या है कि उस टाइप की स्टोरी करने में हमें भी बहुत मजा आता है, पब्लिक तो लेती ही है मजे, तो बहुत अच्छा था। तो अच्छा लगता है जो दरोगा जी का जो अपनी माँ के साथ जो बॉन्ड है, बीवी के साथ, वाइफ के साथ है ना, पिताजी हैं तो वो दिखते नहीं है, वो मर गए लेकिन पूरे आंगन में ही भटकते रहते हैं, तो वो बड़ा कमाल का ट्रैक है। लुंगी पहन कर आता है ना, वाह, लुंगी वाला लीड हीरो, मजा आता है यार, मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं, हाँ, अलग टाइप की यार, ये वाला अगर चीज नहीं होता तो अच्छा लगता, सारी चीज A to Z सारे अच्छे हैं। वाइफ की जो कास्टिंग हुई है वो बहुत कमाल की हुई है, बच्चे बड़े तेज तर्रार, मतलब उनको कुछ उंगली पकड़ के किसी को सिखाना नहीं पड़ता, उनके साथ करके ऐसा लगता है जैसे काफ़ी टाइम पहले से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये इन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छी की है, तो उससे बहुत काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबको लगता है कि जो फिल्मों टीवी में काम करते हैं उनको बड़ी लाइमलाइट मिलती है, हाँ। है ना, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लाइमलाइट तो मिलती है, फेम भी मिलता है, पर उसके पीछे मेहनत कितनी जाती है, कैसे कितना काम, पूरे सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, शिफ्ट का कुछ आता पता नहीं होता, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे पता। जैसा मैंने बताया कि देखो 9 से 9 की शिफ्ट होती है, उसमें 6 से 7 सीन आप दिन भर में निपटाते हो, तो घर की लाइफ तो एकदम ख़त्म ही हो जाती है। पहली बात, मैं घर से निकलता हूँ कई बार, खुद का मेरा बेटा है तो वो सोते हुए ही मिलता है, कभी ट्रैफिक मिल गया तो जब घर पे 11 बजे 12 बजे पहुँचता हूँ तो वो सोते ही, तो 2-2, 3-3 दिन उससे यहाँ पे ही रह के वीडियो कॉल पे बात होती है, तो दुनिया में क्या हो रहा है उतना तो खबर ही नहीं हो पाती, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर आम पब्लिक में आप अगर आप जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा लोग पहचानते हैं, तो वहाँ पे भी आप सुकून से अपना परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिता नहीं पाते हो, तो वो फ़र्क तो पड़ता है। बट घूम फिर के अगर ऐसे परेशानी सोचेंगे तो फिर लखनऊ थिएटर जो हम लोग काम करते थे, सीखते थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो बात वही आ जाती है कि किया भी तो इसी के लिए ही है सब कुछ, कि लोग पसंद करें काम को, काम की तारीफ करें, तो सब कुछ घूम फिर के बात आती है कि यही तो चाहिए था, यही तो इसी से परेशान हो जाएंगे तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो उससे परेशान नहीं होते, कभी लगता है तो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन उसको एंजॉय ही करते हैं काम को। यहाँ पे भी सभी यही बोलते हैं कि काम करके मज़ा आता है, अगर उसको बोझ समझने लगेंगे तो फिर आगे का एपिसोड और वो फिर वो हम अगर थकने लगे तो लोग देख के कैसे एंजॉय करेंगे, अगर हम अपने सीन में एंजॉय नहीं कर रहे तो लोगों से हम कैसे उम्मीद करेंगे, उनको बड़ा मज़ा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि जो ग्लैमरस लाइफ दिखती है ना उसके पीछे जो मेहनत जाती है ना वो उससे डबल ट्रिपल रहती है, मतलब जैसे अभी आप बता ही रहे हो पूरी टीम धूप में, सर्दी में, बरसात में, सब में काम करती है, यहाँ स्टूडियो में कई बार पानी भी भर जाता है लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है, तो हर परिस्थिति में हर सिचुएशन में काम करते हैं हम लोग। ओके, तो अब मैं एक जो मेरा अगला जो सवाल है थोड़ा मजेदार सा सवाल है, कभी ऐसा हुआ है कि दरोगा हपो से यानी कि योगेश त्रिपाठी कहीं से जा रहे हो, पुलिस वालों ने उनको रोक लिया हो? बिल्कुल, एक बार हुआ है वो
पुलिस वाले को बड़े ताव में दिल्ली में पकड़े गए थे हम। दिल्ली इवेंट था मेरा, तो मैं नॉर्मल लुक में था, मेरे दोस्त का मतलब जो इवेंट वाले ऑर्गेनाइजर वो गाड़ी लेके आए थे रिसीव करने, तो जा रहे थे तो एक सिग्नल पे पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। तो उसने बोला आपको पता नहीं है कौन बैठे हैं? तो उन्होंने कौन बैठे, बोले ये सीरियल के दरोगा जी हैं। तो नॉर्मल लोगों को बिल्कुल नहीं पहचाना वो, जब उसको फोटो वोटो दिखाई तो उन्होंने वहीं फोटो में खिंचवाई और गाड़ी से जाने भी दिया, तो वो दरोगा होने का वहाँ फायदा मिल गया, वरना दरोगा खुद धर लिए जाते। तो जब भी अगर बाय चांस को दिखता है, जैसे भी कोई पुलिस वाला दिखता है, तो सीधा यही बोलते हो ससुर तुम पहचाना नहीं क्या? ससुर नहीं, मैं इतना बोल देता हूँ, मूछ तो रहती नहीं है मेरे पास टाइम पे, ये बोल देता हूँ अरे दादा तुम तो नहीं कहते दरोगा है, जाओ 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 जाओ। तो भाभी जी करते हुए आपको 5 साल हो गए हैं, है ना? अभी भाभी जी के 5 साल हमने यहीं पर सेलिब्रेट किए थे, मैं भी उसी का पार्ट है, आई एम सो हैप्पी। और आज हपो की उल्टन पुल्टन हाँ ठीक है, आज 1 साल हो गया है ना। तो इतना, और इससे पहले भी आपने काफी शोज किए हैं, काफी जगह आपने काम किया है, इससे पहले थिएटर भी कर रहे थे आप, तो कब ऐसा लगा कि यार अब लोग मुझको जानने लगे? कोई ऐसे बोलता हूँ कि यार ये देखो इधर होगा हपू सिंह जा रहा है, कब वो सेलिब्रिटी वाला फील आया कि यार अब मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ, लोग मुझको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, अब मुझको ये नहीं बोलना पड़ता कि यार मैं उस शो में काम करता हूँ? जब इनके साथ में FIR शो करता था तो ये होता था कि उसमें कैरेक्टर तो मेरे बड़े कमाल के होते थे, लेकिन वो रेगुलर वाले नहीं थे। 3 दिन किसी ने देखा, एक तांत्रिक बन के आप आए, वो स्टोरी में पसंद किए गए, लेकिन जब तक लोगों ने नोटिस किया तब तक आप दूसरी स्टोरी में दूसरा कैरेक्टर करते थे। तो दिक्कत 6 साल की है FIR, लेकिन वो पहचान नहीं बन पाई। जैसे आपने बोला कि वो कब हुआ, तो वो मेरे साथ भाभी जी घर पे हैं कि बाद ही हुआ है कि एक प्रॉपर लोग पहचानने लगे एक फिक्स कैरेक्टर में कि ये वो हैं। अच्छा। तो वो भाभी जी करने के बाद ही हुआ है। FIR में हर एक कैरेक्टर की तारीफ होती थी, लेकिन इतने कैरेक्टर किए हैं मैंने, कम से कम 600 एपिसोड में 250 कैरेक्टर बदल बदल के, कभी लेडीज़ कभी जेंट्स, कभी डॉक्टर कभी वकील कभी तांत्रिक कभी मजदूर, लेकिन नोटिस नहीं हो पाते थे। रेगुलर करने का ये फ़ायदा कि लोग एक ही बार में आपको देखते 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 नोटिस करने लगते हैं। तो वो मेरे साथ लाइफ में भाभी जी घर पे हैं करने के बाद ही हुआ। तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ पूरी टीम का, और शशांकी जी ने जो मुझे मौका दिया उनका मैं उनको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने FIR में भी मुझे चांस दिया था। तो और जो शो लिखते हैं मनोज जी, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं बेनाइफर जी, संजय जी राइटर, सो पूरी टीम बहुत कमाल की। तो इनके साथ काफ़ी 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, तो पहचान मुझे भाभी जी से मिली, और ज्यों ज्यों हिट होता गया फिर तो आप आगे देख ही रहे हैं कि ये शो भी बन गया और आगे, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कोई एक ऐसा मोमेंट याद है जब लगा कि यार? हाँ, बड़ी खुशी होती है जब छोटे छोटे जब बच्चे आते हैं, मैं जब इवेंट में जाता हूँ तो बूढ़े बूढ़े बिल्कुल एज उनकी है, और एकदम से जब छोटे बच्चे भी मेरे फ़ोन कट छोटे छोटे या वर्दी पहन के परफॉर्म करके कई कॉलेज में स्कूल में मैंने खुद देखा है, तो बहुत खुशी होती है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर इंडिया का जो बच्चे से लेके बूढ़े किसी भी एज का आप बात कर लो कोई ऐसा नहीं है जिसको पसंद ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कुछ कैरेक्टर होते हैं कि इस एज को पसंद है तो उस एज को नहीं है, ये हर एज के लोगों को पसंद है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात वो लगती है ना कि जैसे जब हम हमारे टाइम पर जब स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे, जब अलग अलग गेटअप आपको करना होता था, कुछ बनना होता था, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, पर आज के लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं, और उनमें से एक ऑप्शन जो है जो लोगों को बहुत पसंद है वो दरोगा हपू सिंह। बिल्कुल, बच्चों को दरोगा हपू सिंह बनाकर स्कूल में जो बिल्कुल कॉलेज में फंक्शन में लखनऊ गया, एक्टिंग क्लासेस में भी गया, वहाँ लोग परफॉर्म कर रहे थे वर्दी पहन के, और मेरे बड़े बड़े लंबे लंबे फोन कट उनको याद हैं, डायलॉग याद हैं, तो ये बड़ी बात है। ओके, तो अभी जब आप फ्री रहते हैं जिस दिन, उस दिन क्या करते हैं? उस दिन सिर्फ बेटे के साथ वाइफ के साथ अपना ज़्यादातर टाइम पूरा बिताता हूँ, चाहे मूवी देखने जाऊँ या कहीं और घूमने चला जाऊँ, या घर पे खाना बनाने का बड़ा शौक है तो कुकिंग में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसमें ही पूरा दिन बीतता है फैमिली के साथ। खिलाएंगे आप? आपको खिलाते हैं घर पे बुला के, नए घर में अभी शिफ्ट हो जाऊँगा तब आप आओ, अप्रैल में हो जाऊँगा मैं। भाजी खिलाई थी ना लास्ट टाइम, बड़ी टेस्टी थे यार। तो अब की बार नए घर में ओपनिंग होगी तब बुलाते हैं आपको, देखा नए घर में मिलेंगे। अच्छा, अब ये एक चीज, अब यहाँ पर तो हम आपको दरोगा के जो रोल में देखते हैं, पर आलसी है, कोई काम नहीं करता, बीबी से हमें वैसे तो मेहनती है ना, वैसे मेहनती है ना, जो योगेश त्रिपाठी वो मेहनती है, दरोगा अपोजिंग वो बहुत आलसी है ना, वो आलसी। तो जब जो योगेश जी है वो घर पर कितने कामों में, जब टाइम मिलता है कितने कामों में हेल्प करते हैं, घर में सब्जी वगैरह भी? मैं कुकिंग में कर देता हूँ, बाकी में तो नहीं हो पाती है, मैं कुकिंग में कर देता हूँ जरूर, वाइफ का पूरा हमेशा, अगर कभी मेरा मन भी है पैकअप के बाद भी, तो मैं बोलता हूँ चलो खाने में बाकी चीज़ें तुम देख लो लेकिन सब्जी मैं बना दूंगा। अच्छा। ये मुझे शौक है। तो आजकल सब्जी वगैरह सब वाइफ सेट पे भी बना लेते हैं हम लोग तो, कई बार कभी टाइम होता है तो सेट पे भी बनाई है मैंने, कई बार बनाया है FIR में बनाया है, मुझे मज़ा आता है लोगों को खिलाने में बनाने में, खाने का तो एक लिमिट में शौक है जो भी पसंद है, बट बना के मज़ा आता है मुझे, अच्छा टाइम पास होता है उसमें मेरा। तो
तो ये थी हमारी योगेश त्रिपाठी और हप्पू दरोगा हप्पू सिंह, जिसकी सारी पोल इन्होंने आज खोल ली है, घर में क्या क्या करता है क्या नहीं करता है। अब इसी पोल से मुझे याद आया, एक दो पोल अपनी खुद भी खोल दो ना यार, कुछ बता दो ना हमें भी, जो हमें नहीं पता हो, जो लोगों को नहीं पता हो। नहीं, वो पिछले इंटरव्यू में शायद बताई थी, बचपन की बड़ी यादें हैं, मम्मी बहुत डांटती थी, पापा मतलब टीवी और फिल्मों का तो माहौल ही नहीं है मेरे घर पे। मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट जॉब मुझे छोड़ के पूरी फैमिली टीचर है, तो फिल्मी माहौल ही नहीं है घर पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बस यही माहौल है हमारे यहाँ। तो अभी भी वही है, भैया लोग भाभी हैं टीचर तो सुबह निकल जाते हैं, मेरा खुद का सीरियल वो लोग नहीं देखते हैं। नहीं देखते, पर उनको खुशी तो होती है, बहुत नहीं, लोगों से सुनते हैं, कभी कभार देखते हैं दिन में, लेकिन उतना नहीं है माहौल एंटरटेनमेंट का कि लोग अगर मेरे घर को देखें तो यही कहेंगे कि यार इस जगह से आप कैसे निकल गए फिल्मी वाले माहौल में, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब लगता है कि यार इतनी मेहनत की अब वो हाँ सफल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो बहुत खुश हैं घर वाले भी, उनकी भी सोच बदली है, पूरे कस्बे की भी बदली है, छोटा सा इतना कस्बा है कि वहाँ पे भी लोग इस लाइन में आने की सोच ही नहीं सकते थे, तो अभी नजरिया बदला है लोगों। तो रिश्तेदार फोन करके बोलते हैं कि यार बिल्कुल गाइड करो, कैसे सब लोग पूछते हैं कैसे थिएटर करें क्या करें, सही गाइडेंस तो पूछते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, तो इंडस्ट्री की एक बात जो आपको पसंद है और एक बात जो आपको पसंद नहीं है। नहीं, मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है जैसे और कामों में भी सभी, ये जो शूटिंग सुबह का जब शुरुआत होती है तो जो एक गणपति का पूरा रोल होता है ना नारियल फोड़ने के बाद, वो सबसे पहले वो जो उनका ही क्लोज और उनसे ही शुरुआत डेली, अक्सर क्या होता है कि और जॉब्स में कभी कभी ये भी होता है कि ओपनिंग में तो हो गया फिर रोज़ नहीं करते, जैसे टीचिंग में भी मेरे घर पे सभी जॉब में, लेकिन रोज़ जाके नारियल फोड़ के रोज़ गणपति जी की नहीं होती होगी, प्रार्थना ही होती है बच्चों के साथ, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि कहीं पे भी शूटिंग हो, सिर्फ मैं अपने शो की बात नहीं कर रहा हूँ, एड फिल्म करूँ, वेब सीरीज़ करूँ, थिएटर करूँ, मीडिया में कुछ भी, ओपनिंग से जो गणपति की आरती और उससे एक जो माहौल और पॉजिटिविटी आती है ना, वो एक बड़ी कमाल की बात है। और नापसंद आने वाले अभी मेरे साथ तो नहीं हुई है कि कभी, या तो ये इतनी अच्छी टीम में काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की वो जो माइनस पॉइंट शायद पता नहीं चले, बस ये कि हाँ 12 घंटे की शिफ्ट ना हो के अगर ये 8 घंटे की शिफ्ट होती तो लोग, हर आर्टिस्ट मेरे जैसा या जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के लिए मिलता, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। इसमें ऐसा हो जाता है यार सुबह 7-8 बजे निकल गए, अगर कोई दूर रह रहा है तो वो 2 घंटे पहले निकलेगा, सोचो तो अगर वो 7 बजे घर छोड़ेगा और 11 बजे 12 बजे घर पहुँचेगा तो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है लाइफ, वो उनके साथ है जो रेगुलर वाले हैं, तो वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट कभी कभी लगता है जब रेगुलर वो कोई भी होगा मेरी जगह लगेगा, बाकी तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो ख़राब रहा हो। तो जो दरोगा हप्पू सिंह है वो तो इतनी निछावर ले लेकर उन्होंने अपना पूरा महल खड़ा कर लिया है ना, आज की इतनी पॉपुलेशन, इतनी महंगाई है उसमें, उसके बाद भी उनके जो बच्चे हैं उनके आराम से वो परवरिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो असली वाले जो योगेश त्रिपाठी हैं रियल लाइफ, तो इसलिए तो एक ही किया है सीरियल में, 9-9 भले मेरा एक ही 9 के बराबर है, तो एक के बाद गाड़ी रोक दी, मैंने कहा एक को ढंग से पढ़ाओ लिखाओ और वो ज्यादा अच्छा है। तो मतलब कुछ वहाँ पर भी कुछ प्रोग्रेस हुई है क्या, मतलब बिल्कुल हुई है, बिल्कुल रोल में आ गए हैं कितना, बिल्कुल ये काम करते करते, बल्कि ये नहीं था तब भी, अगर फायदा ये हुआ रेगुलर अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रोग्रेस ही होती है, प्रॉब्लम तब होती है जैसे एक शो किया वो 6 महीने बाद बंद हो गया, अब आपको 2 साल काम नहीं, तो जो सेविंग्स है या आप जो काम करते हो वो फिर वापस चला जाता है। तो मेरे साथ अच्छी बात ये रही है, बड़ों का आशीर्वाद या कुछ भी, लेकिन रेगुलर FIR से लेके अब तक काम की कमी नहीं रही, रेगुलर ये लोग काम देते आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से और भी आगे काम दिया। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि पहले किराए के रूम में रहते थे, एक कमरे में रहते थे, फिर थोड़े थोड़े बड़ा रूम किराए पर लिया, उसके बाद खुद का पहला मैंने घर FIR में ख़रीदा और अभी दूसरा जो लिया है वो तो इस शो के बाद, तो प्रोग्रेस ही है हर चीज़ में। सबसे पहले तो बधाई देते, नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं जल्दी, थैंक यू। मुंबई में घर लेना, खुद का घर होना, खुद की छत होना, जब हम आए थे तो मुझे आज भी याद है, हम 4 दोस्तों के साथ CST के रेलवे स्टेशन पे हमने 4 रातें बिताई थी, हम रेलवे के एग्जाम के बहाने फिल्म लाइन का पता करने आए थे, क्योंकि घर से कभी इजाज़त नहीं थी कि जाके फिल्म लाइन के बारे में पता करो, तो वो ऐसे ही बहाना मार के, तो पहली बार देखा यहाँ का माहौल, धर्मशाला कहाँ हो गई ये सब कुछ भी नहीं पता था, ये सब देखा है तो वो बड़ी फिल्मी कहानी हो गई है, जैसा हम फिल्मों में सुनते थे बिलीव नहीं होता था, लेकिन वो सब मेरे साथ हुआ है और आज खुद का घर है, तो खुशी ही होती है, प्रोग्रेस ही है ये। तो अब तो कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आपके नाम के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, क्या होते हैं कुछ रोल, अच्छा हाँ, रोल बिल्कुल, रोल इतना अच्छा काम कर जाते हैं कि आपके आपकी दूसरी पहचान बन, हाँ ये तो बिल्कुल, या मैं बोलूं कि आपकी वही पहचान बन जाते हैं, तो कैसा जब कहीं पर भी जाते हैं तो सीधा ये लोग ये बोलते हैं अरे दरोगा जी, बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये पहला रनिंग में इतना बड़ा रोल हिट है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जब ये शो के बाद कभी कोई और कैरेक्टर करूंगा भी तो भी लोग इसको भूल नहीं पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ये तो है, ना इसको भूल पाएंगे ना इसके अरे दादा, हाँ, है ना बिल्कुल। और वो जो अपने छोर वाला डायलॉग हो तो बोल के हाँ वो तो अभी वर्दी में लेते हैं। तो बस मजेदार बातचीत हमने की है अभी योगेश त्रिपाठी जी से उर्फ दरोगा अप्पू सिंह। आज उन्हीं के सेट पर हम अप्पू के उल्टन पुल्टन, और अभी हम हमारी इनसे बातचीत जारी रहेगी। अब इनके साथ थोड़ी और बातचीत करनी है क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से ये हमें मिले हैं, हाथ आए हैं बड़ी मुश्किल से, हाथ उल्टा इन्होंने दरोगा को दबोच लिया है।